हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने फिजिक्स में सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा था। वो टॉपिक टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर वो टॉपिक आपको देखना है तो आप पुराने वीडियोस को फिर से एक बार जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ध्यान से और काफ़ी कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को पढ़िएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज आज के टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर एंड इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब देखेंगे आगे। फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। करंट जब हमारे सर्किट में फ्लो करती है, करंट जब हमारे कंडक्टर्स में फ्लो कर रही होती है, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क इज डन बाय दैट करंट। ओके, दैट वी से दैट द करंट इज डूइंग वर्क। सो दैट इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जो हमारा वर्क डन हो रहा होता है पर यूनिट टाइम, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। इज इट क्लियर? सो मैथमेटिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारी, जूल होती है। टाइम की क्या होती है, सेकेंड होती है। सो द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो दैट इज कॉल्ड, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वॉट, इट इज कॉल्ड वॉट। सो वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड। वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड। तो इससे हमें यह पता चला, वन जूल की डिफिनेशन क्या पता चल गई, इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड बाई इलेक्ट्रिक करेंट, वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकेंड, देन वी कैन से दैट वन वॉट पावर इज जनरेटेड। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? सो वन वॉट इज कॉल्ड वन जूल पर सेकेंड। वॉट काफी छोटी यूनिट होती है, तो हम क्या करते हैं, अगर बड़ी यूनिट यूज करना है तो दैट इज कॉल्ड वन किलो वॉट, वन किलो वॉट। ओके, वन किलो वॉट मीन्स 1000 वॉट्स। डिनोट हम डब्ल्यू से ही करते हैं, किलो वॉट को के डब्ल्यू से करते हैं। दैट इज वन किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। इज इट क्लियर? तो जो हमारा वर्क डन होता है, जो करंट हमारी वर्क डन कर रही है, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। यहां से हमें यह पता चला कि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, तो उससे यह पता चलता है कि वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द करंट इज इक्वल टू द an amount of energy consumed. These both quantities are equal. That means work done is equal to the amount of energy consumed. Okay. So इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, और क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। यही तो, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर की दो डेफिनेशन हमें मिल गई, इलेक्ट्रिक पावर की दो डेफिनेशन मिल गई। फर्स्ट मिली द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, एंड द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी आपकी डेफिनेशन सही है, ये भी डेफिनेशन सही है, दो डेफिनेशन हो गई आपकी इसकी। ठीक है, क्या हो गई, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन एंड रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आपके न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में आपको कैसे सॉल्व करना है, किस फॉर्मूले से आपको इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड करना है उन क्वेश्चंस में, उनकी बात करते हैं। अभी तक तो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा, अब डेफिनेशन पढ़ा और उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा। ऐसा यूनिट वाट होती है, जूल पर सेकंड भी कहते हैं, और अगर बड़ी यूनिट बात करें तो किलो वाट होती है। ये सब पढ़ लिया हमने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी विल फाइंड द पावर यूजिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। अगर हमें कुछ क्वांटिटीज़ पता हैं तो हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे पावर की। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन वन, एंड इफ अ करेंट आई इज पासिंग थ्रू अ सर्किट इन टी सेकेंड्स ऑफ टाइम अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, अंडर वोल्टेज ऑफ वी, सो वी कैन से दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू वी इंटू आई, वी इंटू आई इंटू टी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ वर्क डन इन दिस इक्वेशन, वॉट वी विल गेट, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। यही तो लिखा हुआ है, टी विल बी गेट कैंसल्ड आउट, वॉट वी विल गेट, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। वॉट इज वी, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज द करेंट, आई इज द करेंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, मैंने क्या बताई थी अभी यहां पर, जूल पर सेकंड और वॉट। सो वी कैन सी हियर द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर और अ सर्किट विल बी इक्वल टू द पावर। दैट मींस अगर वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है जो वन एम्पियर करंट जनरेट करता है, वन एम्पियर करंट पास होता है, तो इट विल गिव वन वॉट पावर। यहां से ही तो पता चला दैट विल गिव वन वॉट पावर। तो हमें दो तीन चीजें पता चल गई, इफ एक तो ये है जूल पर सेकंड वाला, इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकंड इज कॉल्ड वन वॉट पावर। और अगर हमें वोल्टेज और करंट के टर्म्स में बताना हुआ, सो कैसे लिख सकते हैं हम, If 1 volt of voltage is given and 1 ampere current is passing, then what we will get? We will get 1 watt of power. Is it clear? So first, जो हमें formula मिला power find करने का, that is P is equal to V into I. That is equal to P is equal to V I. Is it clear? अब अगर हमें यही फॉर्मूला पता है और वी ना दिया हो, अगर हमें रेजिस्टेंस दिया है उस क्वेश्चन में, अगर कोई न्यूमेरिकल दिया है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस दिया है एंड करंट दी हुई है, तब कैसे निकालेंगे? वी हैव टू फाइंड द पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट वी विल डू, बाय यूजिंग ओम्स लॉ, P is equal to VI होता है, and we all know that V is equal to IR using Ohm's law. Ohm's law क्या कहता है? Ohm's law कहता है V is equal to IR. Now put the value of V in this equation. What we will get? IR into I, that will be I square R. P is equal to I square R. अगर हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें पावर फाइंड करना है, तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके पावर निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? सेकंड फॉर्मूला क्या मिला, इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस वी हैव गॉट दैट पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला टू फाइंड पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर। आई मीन्स करेंट, आर मीन्स रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ अगर नहीं समझ में आया
नहीं जान पाए क्या है ओम्स लॉ, आप पुराने वीडियोस देखिए, उसमें ओम्स लॉ मैंने काफ़ी अच्छे से एक लेक्चर पूरा ओम्स लॉ का ही बनाया हुआ है। अब अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, दैट मींस वी एंड आर, इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर कैसे होगा, सिंपल है, उसी फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज पुट करिए। पी इज इक्वल टू वी आई आया था, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आया था, पी इज इक्वल टू वी आई, ओके। एंड फ्रॉम द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, पुट दिस V अपॉन R इन दिस इक्वेशन, वॉट वी विल गेट, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है एंड आपको पावर फाइंड करना है, व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली पुट दोज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी हैव थ्री फॉर्मूलाज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर। फर्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करेंट, सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, एंड थर्ड इज स्क्वायर ऑफ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहां तक सब क्लियर हो गया, यहां तक सब क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे हमें अब जानना है इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। क्या जानना है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। अभी मैंने बताया था कि यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहती है कि द वर्क डन बाय द सर्किट विल बी इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड और एनर्जी यूज्ड इन द सर्किट, ओके। इस वाले में देखिए, यही तो, वर्क डन इज इक्वल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू पी इंटू टी होगा। पी मीन्स पावर एंड टी मीन्स टाइम, इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी विल सी, इसकी यूनिट पता करेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है एनर्जी की, यही पता करना है। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। एंड टाइम की आर हो गई, दैट मीन्स द एनर्जी, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी वाट आर, इज इट क्लियर? दैट मीन्स हम जब भी लिखेंगे इसे तो इसकी यूनिट डब्ल्यू एच मीन्स वाट आर लिखेंगे। दैट मीन्स वन वाट ऑफ पावर is used for 1 hour. 1 watt of power is used for 1 hour. Is it clear? तो one watt hour energy means क्या पता चला? 1 watt hour means क्या पता चला? 1 watt power is consumed for 1 hour. Is it clear? समझ में आया? ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम, हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई, यूनिट क्या मिली? वन वाट आवर हमारी यूनिट मिली एनर्जी की। बट क्या होता है कि जो वाट आवर होता है ये काफ़ी छोटी यूनिट होती है। अगर हमें कमर्शियली यूज़ करना होता है पावर को, एनर्जी को, अगर हमें कमर्शियली यूज़ करना है, हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में यूज़ करना है, सो वी यूज़ किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या हो जाएगा? किलोवाट आवर मीन्स 1 kilowatt ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर वन आवर। 1 kilowatt ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 hour, एंड 1 kilowatt means 1000 watts. अगर 1000 watt पावर यूज हो रहा है फॉर 1 hour के लिए, 1 घंटे के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि
द एनर्जी इज 1 kWh. इज इट क्लियर? अगर 1000 वाट का पावर यूज हो रहा है 1 घंटे के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि वो 1 kWh है. ठीक. तो एनर्जी, एनर्जी के बारे में क्या पता चला कि इसकी यूनिट है किलोवाट आवर. जो हम कमर्शियली यूज करते हैं, जो हम कमर्शियली यूज करते हैं, बट क्या होता है अगर हमारे क्वेश्चंस में एक और यूनिट दी रहेगी, वो जूल दी रहेगी, वो जूल दी रहेगी, क्योंकि वर्क डन के इक्वल होती है एनर्जी कंज्यूम. दैट मींस कि किलोवाट आवर को हमें एक रिलेशन देखना पड़ेगा कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है. ओके चलो जल्दी से इसे कवर कर लेते हैं, आज का टॉपिक इसी पे खत्म कर देंगे. तो 1 kWh इज इक्वल टू, 1 kWh इज इक्वल टू 1000 वाट फॉर 1 आवर. ओके एंड वी ऑल नो दैट 1 वाट मीन्स 1 joule per second. यही तो होता है, 1 वाट मीन्स 1 joule per second. पुट दिस वैल्यू, 1000 जूल हो गया अपॉन सेकेंड. एंड 1 आवर मीन्स 60 × 60 seconds. दैट मीन्स वॉट वी विल गेट, यही तो मिलेगा इतना क्या जूल. तो 1 kWh मीन्स, 1 kWh मीन्स 3.6 × 10⁶ जूल्स. 1 kWh मीन्स 3.6 × 10⁶ जूल. इसको आप हमेशा याद रखेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमारी आगे आने वाली न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाली है. क्वेश्चंस में आपको जूल में दिया रहेगा, सॉल्यूशन आपको किलोवाट आवर में निकालना रहेगा, या किलोवाट आवर में दिया रहेगा उसे जूल में करना रहेगा. वी हैव टू कन्वर्ट दोज वैल्यूज. दैट्स वाई वी हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल. दैट मीन्स 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल्स. जूल्स को आप यहां जे भी लिख सकते हैं. ओके सो दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. ये आपको समझ में आ गया होगा. पावर यहीं पे, इलेक्ट्रिक पावर यहां पे टॉपिक खत्म होता है. नेक्स्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीट एनर्जी. यही पढ़ना है आपको नेक्स्ट वीडियोज में. सो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. थैंक यू.